नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। सरकार ने कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने के तहत कुछ फैसले लिए हैं और अगर वो सफल रहते हैं तो इन बदलावों का सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन के बावजूद कृषि क्षेत्र में तस्वीर बदल देने वाले तीन ऐसे कदम उठाए गए हैं जो अगर पूरी तरह अमल में लाए गए और अगर वो सफल रहे तो कृषि क्षेत्र में बड़ी क्रांति हो सकती है। इसको लेकर कुछ विशेषज्ञ बहुत आश्वस्त भले ना हो, लेकिन इस मांग के पूरा होने का पॉजिटिव असर जरूर दिखेगा। आइए हम आपको बताते हैं कि इन कदमों के क्या असर हो सकते हैं। कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम में सुधार। इससे किसान अपनी उपज को जहां उसे उचित और लाभकारी दाम मिले वहां बेच सकते हैं। इस विषय में चार बड़े सुधार किए गए हैं। पहला, अब तक कृषि उत्पादों को नोटिफाइड लोकल मंडी के जरिए बेचने की अनुमति थी। अब किसान किसी भी मंडी, बाजार, संग्रह केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, कारखाने में फसलों को बेच सकेंगे। इससे किसानों का स्थानीय मंडियों में होने वाला शोषण कम होगा। अब किसानों को फसलों की अच्छी कीमत मिलने की संभावना बढ़ेगी। अब किसानों के लिए पूरा देश एक बाजार होगा। दूसरा, मंडियों में केवल लाइसेंस धारक व्यापारियों के माध्यम से ही किसान फसल बेच सकते थे। अब मंडी व्यवस्था के बाहर के व्यापारियों को फसलों को खरीदने की अनुमति होगी। इससे मंडी के आढ़तियों या व्यापारियों की तरफ से समूह बनाकर शोषण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। अधिक संख्या में व्यापारी किसानों की फसल खरीद सकेंगे, जिससे व्यापारियों के आसपास में किसानों को अच्छा मूल्य देने के लिए प्रतिस्पर्धा होगी। तीसरा, मंडी के बाहर फसलों का व्यापार वैध होने के कारण मंडी व्यवस्था के बाहर भी फसलों के व्यापार और भंडारण संबंधी आधारभूत संरचना में निवेश बढ़ेगा। चौथा, अब अन्य राज्यों में उपज की मांग, आपूर्ति और कीमतों का आर्थिक लाभ स्वयं या किसान उत्पादक संगठन बनाकर उठा सकते हैं। किसानों को स्थानीय स्तर पर अपने खेतों से व्यापारियों को फसल बेचने का अधिकार होगा। इससे किसान का मंडी तक फसल ढोने का भाड़ा भी बचेगा। ये कदम फसल की बुआई से पहले किसान को अपनी फसल को तय मानकों और तय कीमतों के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे किसान एक तो फसल तैयार होने पर सही मूल्य न मिलने के जोखिम से बच जाएगा, दूसरा उन्हें खरीदार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं होगा। किसान सीधे थोक और खुदरा विक्रेताओं, निर्यातों, प्रसंस्करण उद्योगों के साथ उनकी आवश्यकताओं और गुणवत्ता के अनुसार फसल उगाने के अनुबंध कर सकते हैं। इसमें किसानों की जमीन के मालिकाना अधिकार सुरक्षित रहेंगे और उनकी मर्जी के खिलाफ फसल उगाने की कोई बाध्यता नहीं होगी। इसमें फसल खराब होने के जोखिम से भी किसान का बचाव होगा। किसान खरीदार के जोखिम पर अधिक जोखिम वाली फसलों की खेती भी कर सकता है। इससे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, आलू और प्याज सहित सभी कृषि खाद्य पदार्थ पर नियंत्रण से मुक्त होंगे। इन वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसे विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक की सीमा नहीं लगेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।